हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल का डोसा। तो चलिए देखते हैं कैसे डोसा बनता है। ये हमने आधा कप चावल रात भर भिगो के ले लिया है। मूंग दाल हमने 1 कप लिया है। ये आधा कप चना दाल ले लिया है, इसे भी हमने रात को भिगो दिया था। हमने 6 हरी मिर्च ले लिया है और 4 लहसुन की कली ले लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसे हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है अदरक को। अब हम मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें चावल डाल देंगे और चावल को हम पीस लेंगे एकदम बारीक। पीसना है चावल को और मिर्ची भी डाल देंगे, लहसुन, और साथ में अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे। अब इसे पानी, थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसका और साथ में मूंग दाल भी डाल देंगे और पीस लेंगे इसे। इसी तरीके से हम देख लीजिए, एकदम बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से सब एकदम बारीक पीस लेंगे हम। अब देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है और कटोरे में निकाल लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक देंगे, तब से बाकी हम तैयारी कर लेंगे। ये हम चटनी बनाएंगे मूंगफली की। तो जार में हम मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली छिलका उतार के ले लेंगे और इसी की चटनी हम बनाएंगे आज। तो ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, इसे काट के डाल देंगे। और ये तीखा आप जितना खाते हैं उसी के अनुसार आप मिर्च डाल सकते हैं। ये हमने 6-7 हरी मिर्च लिया है और 4 लहसुन की कली लिया है और ये हमने जीरा ले लिया है आधा चम्मच। और अब नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। अब हमने धनिया पत्ता ले लिया है, उसे भी अब जार में डाल लेंगे। अब इसमें हम 4-5 चम्मच दही डाल देंगे और दही डाल करके हम इसे पीस लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, हमने इसे पीस लिया है अच्छे से, देख लीजिए। आप चाहे तो इसे इसी तरीके से सूखा भी इसे रख सकते हैं या फिर थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो हमने इसे कटोरे में निकाल लिया है चटनी को। अब हम तड़का लगाने के लिए गैस पर एक कलछुल रख लेंगे। कलछुल जैसे ही हमारी गर्म हो जाएगी तो उसमें आधा चम्मच सरसों का तेल डाल लेंगे और तेल जैसे ही हमारी गर्म हो जाएगी तो उसमें हम आधा छोटा चम्मच राई के दाने डाल देंगे। अब हमने इसमें राई के दाने डाल दिए हैं, राई हमारी चटकने लगी है। तो अब इसमें हम 1 चुटकी भर हींग डाल लेंगे। हींग डालने के बाद और ये कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे हम और थोड़ा सा करी पत्ता, 5-6 करी पत्ते को हम
चूर करके डाल देंगे। अब ये तड़का हो गया हमारा तैयार, थोड़ा सा इसे चला लेंगे। अब इसे हम चटनी में डाल देंगे। चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हमने दोस्तों ये पनीर ले लिया है, पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है और इसमें हम नमक और बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई मिर्च, अब हम बैटर में थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स कर लेंगे, हमने इसमें डाल दिया है, एक साइड डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम एक प्याज ले लेंगे, उसे भी बारीक काट लेंगे और उसे पनीर में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। और मिक्स करने के बाद इसे हम एक साइड रख लेंगे और अब हम बैटर में नमक डाल देंगे, 3 चम्मच नमक डाल करके बैटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा बैटर हो गया है तैयार, बैटर हमारा इतना ही गाढ़ा होना चाहिए और अगर बैटर हमारा पतला होगा तो डोसा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। ये करीब पनीर हमारे पास 100 ग्राम था तो 100 ग्राम पनीर का ये मटेरियल है। अब हमने गैस ऑन कर लिया है, उस पे तवा रख दिया है, तवा को अच्छे से गर्म होने देंगे और जैसे ही हमारा तवा गर्म हो जाएगा, अब तवा जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो उस पे 1/2 चम्मच हम तेल लगा लेंगे, तेल को अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे और ये देखिए तवा हमारा गरम हो गया है और उस पर कुछ बूंदे पानी के छींटे मारने के बाद हम इसे सूती कपड़े से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद अब हम अपना बैटर डाल देंगे और इस तरीके से बीच से किनारे तक फैला लेंगे। इस तरीके से हम कलछुल को घुमाते हुए डोसा को तवे पर फैला लेंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। डोसा जब थोड़ा सा हमारा नीचे से पक जाएगा तो जो हमने स्टफिंग पनीर का तैयार किया है उसे हम थोड़ा सा डोसे पर डाल लेंगे और ये देखिए हमारा डोसा तवा छोड़ दिया है। अब देखिए दोस्तों नीचे से हमारा डोसा क्रिस्प हो चुका है, पक गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अपने सारे डोसे को इसी तरीके से हम पका लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों डोसा हमारा तैयार हो गया है खाने के लिए। इसे हम मूंगफली की चटनी के साथ हमने सर्व किया है।